सो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आज है, ये देखो यहाँ पे 16 सितंबर रात के 1:50 हो रहा है, ठीक है। एंड अभी मैं बैठा हुआ था एंड मैंने एक चीज़ देखी, आपको भी दिखाता हूँ, मतलब रोज ही देखा वैसे तो मैं। ये देखो रात का टाइम है और कितने सारे रूम्स का जो है लाइट ऑन है, बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे। तो इतने रात में भी IIT में लोग जो है जागे हुए होते हैं। एंड वैसे मेरे टेस्ट पेपर भी मिले हैं मुझे, तो देखो कितने कितने नंबर आए हैं। इसमें 50 out of 50 है, इसमें 12 out of 25 है, इसमें 50 out of 100 है। तो यार इसमें फुल मार्क्स आए थे, पता नहीं कैसे आए थे। तो अब मैं सोच रहा हूँ क्योंकि इतने सारे लोग इधर जो है जाग रहे हैं, तो क्यों ना उनके रूम में जाके देखा जाए कि वो क्या कर रहे हैं, है ना। चलो चल के देखते हैं। वैसे भी ये नया हॉस्टल है, मज़ा आएगा। यार अपने पुराने हॉस्टल में, हॉस्टल 9 में जो, अगर जो पुराने व्यूअर्स उन्होंने देखा भी होगा, उसमें हमने काफ़ी रूम्स रेड वगैरह एग्जाम के टाइम पे किया था वैसे तो। लेकिन ये नया हॉस्टल है हॉस्टल 17, इसमें हमने एक भी बार नहीं किया। तो चलो चल के देखते हैं। एंड सबसे पहला रूम क्यों ना विनायक भाई का रूम को रेड किया जाए, क्योंकि वो पिछले मेरे हॉस्टल में मेरे रूममेट थे, तो कभी उनके रूम को रेड कर नहीं सकते थे, अपना रूम था। तो इस बार हम लोग उनके रूम में जाके सबसे पहले रेड मारने वाले, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। फिर रेड मारने जा रहे प्रची, देखो तुरंत मिल गया भाई, इतनी रात में कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है भाई। अरे थोड़ा प्रेपरेशन कर रहे थे। किस चीज़ का? किस चीज़ का? ऐसा इंटरव्यू, मतलब प्लेसमेंट के लिए। भाई प्रशांत सच में रैंडमली मिलाया था, मत सोचना कि इसे मैंने कहीं से इधर बुला रखा था कि आओ। अभी जस्ट हम लोग विनायक के रूम पे रेड मारने वाले हैं और उसे बताया नहीं है। तो चलो चल के प्रशांत मेरी हेल्प करो, गेट नॉक करो जाके। भाई देखना क्या लिखा हुआ है। भाई बहुत लोगों को एंट्री नहीं मिल पाती इस वजह से। और विनायक भाई क्या हो रहा है? विनायक भाई लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स पढ़ रहे, दिखाई और क्या है भाई। और चने वने भी खा रहे हो क्या? दर्शकों को खिलाते हैं चने, ये लो भाई खाओ। प्रशांत आएगा। और हमने सुना है कि आज तुमने वर्ल्ड कप की भाई सेमीफाइनल फाइनल सबकी टिकट बुक कर ली। कर ली भाई, कर ली। तो बोल जिसको चाहिए होगा आ जाना ब्लैक में लेने के लिए। ब्लैक में लेके आ जाओ। ऑक्शन करेंगे। कब एग्जाम? एग्जाम कल शाम। कल शाम में क्या हो गया पढ़ाई? तो यार अभी आपने जस्ट सुना, विनायक भाई का भी एग्जाम है एंड वो अपने एग्जाम के लिए जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी तरीके से जिन लोगों का JEE मेंस का एग्जाम है, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है प्रिपरेशन के लिए, सिर्फ 4 महीने हैं, तो आपको जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। एंड इन 4 महीने में आपको क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में 24 सितंबर को रात 8 बजे एक लाइव सेशन लेने वाला हूँ, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। एंड इस सेशन को ज्वाइन करने का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे पर JEE मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, जरूर जाके इस सेशन को देखो। 11th वाले बच्चे भी आ सकते हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा ये समझने में कि कौन सी चीजें नहीं करनी है, कौन सी चीजें करनी है। तो बहुत सारी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन आपको इस सेशन में मिलेगी। तो जरूर मिलो हमारे से 24 सितंबर को रात 8 बजे। एंड चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वैसे विनायक भाई का रूम आप देख सकते हो, काफी सेक्सी रूम है ना। वैसे तो पहले हम दोनों साथ में रूममेट थे, बट अब हमें सिंगल सिंगल रूम ने अलग कर दिया है। इस दीवार को हटा देंगे तो बस हम दोनों का रूम वापस से एक जैसा हो जाएगा। कैसा लग रहा है मेरे बिना जीवन? जीवन तो तुम्हारे बिना कैसे, मिलते रहते हैं। मिलते रहते हैं, सही बात है। क्या दिखा रहे हो तुम? व्हाट इज दिस? ये देखिए ये फोटो लगा हुई, वैसे ये फोटो विनायक ने नहीं लगाई है विनायक, और यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ था जिसे उसने हटा दिया है। क्या लिखा हुआ था वहाँ पे? ये प्रशांत दिखा था क्या? और कुछ लोग कह रहे कि इस वजह से बहुत लोगों की एंट्री नहीं हो पाती है। हमने सोचा कि हमारे तो रूम पहले लगा हुआ था, हटाना नहीं चाहिए, प्रशांत जैसे लोग बाहर रहेंगे। देखो प्रशांत इस वजह से बाहर रहता है। चलो चलो पढ़ाई करो, हम लोग आते हैं दूसरों के रूम से मिलके। बाय बाय भाई। इस रूम में देखो खुला हुआ है, बहुत सारे लोग मुझे लगता है। स्मिथ, प्रशुल, हेलो ब्रो, क्या कर रहे हो भाई आप लोग? बस ये तो RC कर रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो तुम? तुम्हारा तो एग्जाम कब है? कल है। इसका भी एग्जाम कल है। ये देखो भाई ये CRE पढ़ रहा है, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, जो क्या तुम पढ़ा रहे हो? हाँ मतलब साथ ही पढ़। तेरा तो है ही नहीं कोर्स, तो फिर साथ में पढ़ कैसे रहा है? है ना, तो पढ़ कैसे रहा है फिर, तो पढ़ा रहा है ना, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने थे तो। भाई विशाल बहुत ही अच्छा इंसान है, आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियोस में, विशाल और स्मित रूममेट थे, बट इनके साथ भी सेम कंडीशन है। इस दीवार ने इन दोनों को अलग कर दिया है। कैसा लग रहा है अलग होके? गलत है, मैं तो जगह आ जाता हूँ पढ़ने।
स्मिथ का भाई मसीहा है। सारे लोगों को अलग नहीं करती सब दीवारों ने अलग कर दिया और खिड़कियों ने जोड़ दिया। हाँ भाई खिड़की साथ आते ये वाले नहीं, नहीं, नहीं। दीवारें लोगों को अलग कर देती है जज्बातों को नहीं। ओ भाई डीप 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 चलो चलो पढ़ाई करो मिलते हैं बाय बाय। भाई सूरज के रूम पे चलता है सूरज भाई क्या कर रहे हैं देखते हैं। अरे सूरज भाई क्या हालचाल है क्या कर रहा है पढ़ाई कर रहा हूं कल पेपर है। तेरा भी एग्जाम है मतलब मिड सेम है या फिर क्विज है पेपर है मिड सेम। ओ भाई मचा रहा है सूरज भाई देखो क्या पढ़ रहा है थोड़ा एक्सप्लेन करो क्या पढ़ रहा है शॉर्टकट में क्या ये एक्सप्लेन करें केमिकल इंजीनियरिंग करना होता है भाई सूरज सेमेस्टर नहीं पढ़ी पढ़ना झूठ बोल रहा है भाई सबसे ज़्यादा यही पढ़ाई करता है आजकल और मेरे को बोलता है विनीत भाई आपका वीडियो नहीं आ रहा है तो मैंने सोचा चलो इसके रूम पे ही जाके इसका वीडियो बना ले चलो पढ़ाई वढ़ाई करो मिलते हैं। कुछ मैसेज देना चाहोगे अपने चाहने वालों को पढ़ाई करो यार जिंदगी में कुछ आगे करना है तो चलो बाय बाय। किसान मेरे लिए रात के टाइम में ग्लूकोज का व्यवस्था क्या है भाई हमारे बचपन की फेवरेट अच्छे से देना फाड़ के खुलेगा कैसे पार्ले जी किस किस लोगों ने पार्ले जी खाया है कमेंट करके बताओ यार मुझे तो बचपन में काफ़ी पसंद था। थैंक यू पार्ले जी बोलते थे ना जी माने जीनियस तू है क्या जीनियस माने पीछे घूम एक बार भाई इसका टी शर्ट देखो आईआईटी बॉम्बे इसमें बहुत सारे वो लिखे हैं भाई आईआईटी बॉम्बे के जैसे होता है ना लिंगो सार्क हो गया मचैक्स हो गया शून्य हो गया फोर्थ वाल इलेक्शन बहुत मतलब भरा पड़ा है। स्क्रीन शॉट लेके पॉज कर लेना जिसका मतलब ना समझ में आए मुझे पूछना मैं कमेंट में बताऊँगा बाय। बिस्किट खाते खाते पहुँच गया वन ऑफ द अपने फेवरेट रूम्स के पास विपुल के रूम पे बाहर भी मैं पहुंच गया हूँ खुला ही हुआ है उसका गेट ये देखो ग्लास वाला है चल के देखते हैं क्या कर रहा है वो। विपुल क्या कर रहे हो भाई विपुल भाई तो देख के आ रहा है कि तो मैं ऐसा दिखता हूँ लिखा तो है ना इसे देख आ रहा है कैसा है भाई भाई आईना देख लिया कर अपने आप से सवाल पूछ लिया कर सुधारो इसको ऐसे ही डाल देंगे भाई विपुल देखो मेरे को भगा रहा है भाई खोलो यार देखो भाई देखो विपुल आज बहुत ही भाई क्रोधित अवस्था में है वीडियो बनाने में खराब है यार बंद कर कुछ भी रिकॉर्ड अब तो बंद कर दूंगा मैं भाई विपुल विपुल कड़ा कड़ा विरोध कर रहा है भाई गेट खोल दे भाई भाई गेट खोल दो यार देखो यार बंद कर दिया विपुल यार विपुल गेट खोल दो यार। आते हुए श्रीतम भाई मिल गए श्रीतम भाई कैसे हो आप श्रीतम भाई पूरा क्लीन शेव वाले लुक में आ गया भाई जी। ये लुक आपने क्यों क्यों लिया है ये लुक एग्जाम्स के लिए थोड़ा आपका एग्जाम कब है ऑल दी बेस्ट आपको पढ़ाई हो गई पूरी श्रीतम भाई देख सकते हैं भाई पूरे पढ़ाई के मोड में लगे हुए हैं देखते हैं श्रीतम भाई के रूम में आके क्या पढ़ रहा है भाई पूरा मूडल खुला हुआ है यार क्या बात है मूडल खुला हुआ है सारे लेक्चर खुले हैं ये क्या है ये तो पिछले होमवर्क था भाई क्या बात है श्रीतम भाई मचाने वाला है और अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप बस लगे रहिए चलिए मिलते हैं काशी के रूम पर अटैक करता हूँ मैं अगर गेट खोलेगा तो मुझे लगता नहीं कि वो गेट खुलेगा काशी काशी अरे इसके भाई ताला लगा हुआ है और मैं गेट बजा रहा हूँ भाई बंद है भाई इसका गेट तो पढ़ने उड़ने गया होगा शायद कहीं विशाल भाई के रूम में मैं अभी आया था एंड इन्होंने यार एक अभी जबरदस्त पेंटिंग के ऊपर काम कर रहा है एक बार दिखाना ओरिजिनल फोटो भाई ये देखो ये फोटो है और ये पेंटिंग है मतलब ऑलमोस्ट ये वाला तो फेस कंप्लीट हो गया एकदम ओरिजिनल लग रहा है ये वाला भी एकदम ओरिजिनल बस लिप्स पे थोड़ा काम करना बाकी है एंड ये वाला भी बाकी दोनों तैयार होने वाले भाई क्या गजब का टैलेंट है भाई कैसे कैसे कर लेते हो ये कैसे एचएस पढ़ते पढ़ते बोर हो गया इसलिए कर रहा था भाई बहुत एग्जाम है क्या अभी नहीं 20 को है भाई बहुत ही जबरदस्त यार मतलब एक वीडियो पे तो हम लोग कवर कर चुके हैं बाकी जिन्होंने नहीं देखा उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा बाकी यार विशाल भाई बहुत ही ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं कंटिन्यू कीप डूइंग दिस एंड बाय बाय। शिवम भाई मिल गए अभी विशाल के रूम से निकलते ही शिवम भाई क्या कर रहे हो अभी उठे हो रात के 2 बजे मतलब कब कब सोने गए थे और कब उठे थे
हाँ 11 बजे सोए थे, फिर 2 बजे उठे एंड फिर से सोने जा रहा हूँ। सही है यार, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। फिर यार आपने जस्ट देखी कि अभी रात के टाइम पे 2-3 बजे हमारे यहाँ पे IITians क्या कर रहे होते हैं। तो चलो काफ़ी रात हो गया है, मुझे भी अपना काम वाम करना है एंड काफ़ी नींद आ रही है, तो रूम पे चलते हैं एंड जाके सो जाते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्यों? ताकि ये सिल्वर प्ले बटन को गोल्ड में बदल सके। चलो बाय बाय यार।